आज हम बात करेंगे सुर्खियों में वैक्सीन पर्यटन के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। कुछ दिनों पहले दुबई के एक टूर ऑपरेटर द्वारा दिल्ली से मॉस्को के लिए 24 दिन के टूर पैकेज की रिपोर्ट सामने आई थी। इस टूर पैकेज में रूस के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के साथ रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के दो शॉट भी शामिल थे, लेकिन तुरंत बाद टूर ऑपरेटर की वेबसाइट से पैकेज की जानकारी ही गायब हो गई। दिल्ली की एक ट्रैवल एजेंसी भी वैक्सीन टूर पैकेज पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि हाल ही में मध्य यूरोपीय गणराज्य सैन मेरिनो ने अपने पहले वैक्सीन पर्यटकों का स्वागत किया। ये वैक्सीन पर्यटक लातविया से सैन मेरिनो पहुंचे थे। अब जान लेते हैं कि वैक्सीन पर्यटन क्या है। वैक्सीन पर्यटन एक उभरता हुआ चलन है। वैक्सीन पर्यटन ऐसे देशों में ज्यादा प्रचलित हो रहा है जहां वैक्सीन की आपूर्ति कम है, या इन देशों के कुछ समूहों को अभी भी वैक्सीन लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। ऐसी स्थिति में लोग टीकाकरण के लिए किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं। भारत में वैक्सीन पर्यटन के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी है। कई भारतीय जो पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लागू होने से ठीक पहले दुबई चले गए थे, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में चीन की वैक्सीन सिनोफार्म के शॉट लगाए गए हैं। आइए जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य। भारत में वैक्सीन पर्यटन शब्द पिछले साल के अंत में लोकप्रिय हुआ। इसे प्रचलित करने में टूर ऑपरेटरों का बहुत योगदान है। पिछले साल इनके द्वारा वैक्सीन शॉट के अतिरिक्त लाभ के साथ अमेरिका के टूर पैकेज की खबरें प्रचारित की गई थी। हालांकि भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा है कि भारत से किसी को भी टीकाकरण के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक देश में सभी पात्र भारतीयों का सबसे उचित दरों पर टीकाकरण किया जाएगा। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वैक्सीन पर्यटन के अंतर्गत लोग टीकाकरण के लिए किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं। दूसरा, वैक्सीन पर्यटन एक उभरता हुआ चलन है। तीसरा, वैक्सीन पर्यटन ऐसे देशों में ज्यादा प्रचलित हो रहा है जहां वैक्सीन की आपूर्ति कम है। उपर्युक्त में से कौन सा यहां से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी केवल दो और तीन, या फिर डी एक दो और तीन? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए।